वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि पोकेमॉन जो वापस आ सकते हैं गलार रीजन पे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कोई भी गलत डिटेल्स नहीं दूंगा। मुझे पता है आप लोगों ने भरोसे के साथ वीडियो को खोला है और यहाँ तक एक पोकेमॉन भी कन्फर्म्ड हो चुका है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चाहे लंबी हो लड़ाई, जीता कौन याद रहना पाए, मैं तो लड़ूंगा। हाँ ये सपना तो सच होगा, चलता ही रहेगा, तब ना लेंगे जब तक कि ना जीतेंगे हम। ऐसा प्यारे हाँ सपना हमारा है ये, और हम जो एक हो जाए तो हमसे बेहतर ना कोई। नंबर सिक्स पे आता है ग्रेनिंजा। जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रेनिंजा कालोस लीक में एश ने वहाँ छोड़ दिया था जायगार्ड के पास, क्योंकि जायगार्ड ने अपनी पूरी पावर यूज कर लिया था एंड अब ग्रेनिंजा को देखना था कालोस रीजन को। मैं जानता हूँ बहुत लोग कहते हैं कि ग्रेनिंजा सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे, लेकिन मैंने आप लोग को सच बताया सिक्स नंबर पे, इसलिए क्योंकि जायगार्ड अब 500 साल तक सोया हुआ है और ग्रेनिंजा को तब तक ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से ग्रेनिंजा के बहुत कम चांसेस है कि वापस आए ऐश के पास। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण मैंने ग्रेनिंजा को नंबर सिक्स पे पोजिशन पे दिया है। नंबर फाइव पे आता है ऐश का गिबल। ऐश का गिबल उसने सिनो रीजन में पकड़ा था, और गिबल जैसे कि आपको पता होगा एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि बाद में जाके गार्चम जैसे पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। ये गिबल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है और ये सब लोग जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मेरे से ज़्यादा तो आप लोग जानते ही है। ये पोकेमॉन को बहुत सारे पावरफुल मूव्स वगैरह भी यूज़ करने आते हैं। अब बात करते हैं कि ये लिस्ट में क्यों है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा स्वॉर्ड एंड शील्ड में गार्चम नहीं है, तो शायद से ऐश अब चैंपियन है तो कुछ तो एडवांटेज रखने के लिए या फिर दिखाने के लिए कि वो अब चैंपियन है, तो वो पूरे रीजन पे कुछ तो एडवांटेज रखेगा। तो मुझे लगता है इसलिए वो अब गार्चम ला रहा है ताकि वो सब लोगों पे दिखा पाए कि गार्चम कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। बल्बसॉर नंबर फोर पे इसलिए आता है क्योंकि इस पोकेमॉन पे ऐश को सबसे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि पिकाचू के बाद जो उसने ऐश ने पकड़ा था पोकेमॉन वो था बल्बसॉर, क्योंकि पिजॉट और बटरफ्री तो अब चले गए। तो अब बात करते हैं कि बल्बसॉर क्यों इस लिस्ट में आता है। जैसे कि आपको पता होगा बल्बसॉर बार बार कोई भी रीजन में अपीयर करता रहता है, जैसे अलोला रीजन, होएन रीजन, जबकि वो प्रोफेसर के लैब में तब भी वो आता है। तो ये मतलब बता सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा फैन बेस है, और पोकेमॉन कंपनी भी चाहती है कि ये बार बार आए। और ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसने अपने फर्स्ट स्टेज में ही मैगानियम जैसे थर्ड स्टेज लेवल पोकेमॉन को भी हरा रखा है, तो इसमें कोई शक नहीं है ये कितना पावरफुल है। और यहाँ तक कि अलोला रीजन में भी इसने एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और वहाँ पे भी इसने जीत हासिल की थी। तो मेरे हिसाब से इसलिए बहुत सारी रीज़न है जिसके कारण बल्बसॉर आ सकता है। नंबर थ्री पे आता है कि चारिज़ार्ड। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऐश ज़्यादातर अपने पुराने पोकेमॉन यूज़ नहीं करता है, वो अपने नए पोकेमॉन को ही चांस देता है, पर चारिज़ार्ड एक ऐसा पोकेमॉन है जिसको सबसे ज़्यादा चांसेस मिले ऐश कैचम से। वो यूनोवा रीजन में भी आया है, वो होइन रीजन में भी आया है, वो जोटो रीजन में भी आया है। तो इसका मतलब है कि पोकेमॉन कंपनी चाहती है कि ये भी बार बार आए, तो एक चांस है कि ये भी आ सकता है। पर मैं एक चीज़ बोलूँ, ऐश शायद से इसको नहीं लेगा टीम में। एक दो एपिसोड के लिए आ सकता है बस अपीयर करने के लिए, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐश अब अपना लेगा कोई नया पोकेमॉन जो कि आपको जानते ही हो कि उसका नेचर है, वो नए पोकेमॉन पे ज़्यादा ध्यान देता है एज कम्पेयर टू जो उसने पुराने पोकेमॉन है और जो उसने पहले से ही पकड़ रखे हैं। मैं तो ऐश का सबसे पुराना पोकेमॉन हूँ, ऐश तो मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता, मैं तो ऐश का बड़ी हूँ। मुझे कोई हटा के तो दिखाए, किसी की वजह हल है। पिकाचू एक काम करेगा, तू कुछ दिन के लिए बॉक्स में रह सकता है, मैंने कैटरपी पकड़ा है, प्लीज। नंबर टू पे आता है इंसिनरोर। इंसिनरोर जो कि ऐश ने पकड़ा था लिटन के फॉर्म पे अलोला रीजन में, ये एक फायर टाइप स्टार्टर है वो भी अलोला रीजन का, और इसके चांस इसलिए बनते हैं इस लिस्ट में आने के लिए क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा ऐश का रिवाइवल गो जिसके पास एक फायर टाइप स्टार्टर है स्कॉर्बनी, और शायद से पोकेमॉन कंपनी ये तो नहीं चाहेगी कि ऐश के पास भी वही स्टार्टर हो।
तो शायद से ऐश अपना पुराना स्टार्टर पोकेमोन ला सकता है और चारिज़ार्ड इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बार अपीयर हुआ है, लेकिन इंसिनोर इसलिए क्योंकि इसको बहुत ही कम मौका मिला आने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐश ज़्यादातर अपने नए पोकेमोन को ही चांस देता है। और अगर आपने अलोला रीजन नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वो प्लीज़ देखो, वो बहुत ही तगड़ा रीजन है। मैं मानता हूँ शुरुआत के 30 एपिसोड निहत्ते ही बर्बाद है, लेकिन उसके बाद मज़ा आएगा आपको देखने में। और एकदम लास्ट के फाइनल बैटल के दौरान ही ये टोरा कैट इंसिनरोन में विकसित हो गया था और बहुत ही ज़्यादा औसम सीन था, वो आपको देखना चाहिए। नंबर 1 पे आता है पिजॉट। अब आप सोच रहे होंगे ये पक्षी यहाँ पे कैसे, तो इसका रीज़न ये है कि जैसे कि आपको पता होगा कि पिजॉटों को जैसे ये पिजॉट में इवॉल्व हो गया था कांटो रीजन के लास्ट में, तो ऐश ने इसको छोड़ दिया था और कहा था मैं इसको वापस लेने आऊँगा। सच बोलूँ तो ऐश ने इसका बड़ा वाला काटा था। तो अब मेन बात करते हैं तो ये है कि जैसे कि अब पिजॉट इसलिए आ सकता है क्योंकि इसके बहुत सारे, आपको जानते हो कि बहुत फ़ैन भी है इसके और बहुत सारे वीडियोस चल भी रहे हैं पिजॉट के नाम पे, तो मैंने सोचा मैं भी एक हाथ धो दूँ। तो अब बात करते हैं सीरियसली, तो पिजॉट इसलिए आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है और मेरा ये फेवरेट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है फ्लाइलम फ्लेम वगैरह, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। और इसलिए भी एक रीज़न क्योंकि एक पोस्टर लीक हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन में, इसमें ऐश एक पिजॉट से गले मिल रहा है और शायद से ये पिजॉट ऐश का हो सकता है, आई एम नॉट कन्फर्म। तो यही था आज की वीडियो, ठीक है, और मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए गुड बाय।